हेलो गाइस, वेलकम टू एसटीजी हैकर्स। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। गाइस, आज हम बात करेंगे कि क्या टाइम ट्रेवल संभव है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। टाइम ट्रेवल के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। समय में यात्रा करना साइंस एंड फिक्शन माना जाता था, बट सब कुछ बदल गया जब आइंस्टाइन ने 1915 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इन एवरी सिचुएशन टाइम नेवर फ्लोज विद सेम स्पीड, यानी कि हर सिचुएशन में टाइम एक ही स्पीड से फ्लो नहीं होता। समय अपने आप को धीरे या फिर तेज कर सकता है। टाइम की फ्लो आपकी स्पीड पर निर्भर करता है। ये सारी बातें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में साइंटिफिकली प्रूफ हो गई थी। इसका मतलब टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, यानी कि अब ये साइंस एंड फिक्शन नहीं रहा। टाइम ट्रेवल दो तरीके से हो सकता है। पहला, टाइम ट्रेवल इनटू द फ्यूचर, यानी कि समय को तेजी से पार करके फ्यूचर में जाना। और दूसरा, टाइम ट्रेवल इनटू द पास्ट, यानी कि समय में पीछे जाना। तो गाइस, अब देखते हैं कि अपन टाइम ट्रेवल कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, टाइम ट्रेवल स्पीड पर निर्भर करता है। तो गाइस, इसका मतलब टाइम ट्रेवल आपकी स्पीड से ही पॉसिबल है। यूनिवर्स की एक स्पीड लिमिट है जो कि 299,337.984 किलोमीटर पर सेकेंड है। मतलब आप इससे ज़्यादा स्पीड में ट्रेवल नहीं कर सकते। लॉज ऑफ नेचर आपको अलाउ नहीं करती। मान लीजिए आपने एक एडवांस्ड स्पेसशिप बनाई जो कि लाइट की स्पीड के 99% स्पीड पर ट्रैवल कर सकती है। गाइस, वो स्पेसशिप स्पीड लिमिट को तो नहीं तोड़ सकती, मगर मान लीजिए कि वो स्पीड लिमिट के तो बहुत ही करीब आ चुकी है। तो गाइस, कि आप जानते हैं कि क्या होगा उस स्पेसशिप के अंदर की स्पीड में? तो गाइस, अगर आप मान लीजिए आप उसमें बैठ गए, तो गाइस उसकी स्पेसशिप के अंदर की स्पीड बहुत ही कम होगी बाहर की स्पीड से, ऐसा आपको लगेगा। तो गाइस, मान लीजिए आप उस स्पेसशिप के अंदर बैठ गए और आपने 7 दिन ट्रैवल किया। गाइस, आपके लिए तो आपने 7 दिन ट्रैवल किया, मगर जब आप स्पेसशिप से बाहर आओगे तब आपको पता चलेगा कि आप तो 100 साल बाद आए हो। 100 साल पार हो चुके हैं, मतलब आप एक अलग ही दुनिया देखोगे। इसका मतलब आप फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हो, अगर आपकी स्पीड बहुत 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 ही तेज हो तो। तो गाइस, अब बात करते हैं पास्ट की। गाइस, समय में पीछे जाना सिर्फ एक ही तरीके से पॉसिबल है, और वो है वॉर्म होल। गाइस, वॉर्म होल एक पैसेज है जो दो जगहों और दो अलग अलग वक्त को जोड़ती है। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि वॉर्म होल हमारे बीच ही मौजूद है, मगर वो बहुत ही छोटे लेवल पर एग्जिस्ट करती है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि अगर हम किसी भी वॉर्म होल को कैप्चर करके मैग्नीफाई कर ले तो हम उसमें घुस के समय में पीछे जा सकते हैं। आज की इस टेक्नोलॉजी में नहीं तो अपन इतनी तेज रफ्तार की स्पेसशिप बनाना पॉसिबल है, और ना ही वॉर्म होल को कैप्चर करने वाली मशीन बनाना पॉसिबल है। मगर हम ये सब आने वाली टेक्नोलॉजी, यानी कि फ्यूचर में, फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी होगी वो जो मशीन्स बना सकते हैं, तो पॉसिबल है कि टाइम ट्रेवल हो जाए। सो थैंक यू ऑल गाइस, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस वीडियो को। तो गाइस, अगर आप हमें बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और गाइस अगर आप कुछ और भी जानते हो इस वीडियो के बारे में तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो थैंक यू ऑल।